समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई कि मौर्य एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वह रामचरितमानस का विरोध करते करते दलित पिछड़ों को बनाम ब्राह्मण का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जब विवाद खड़ा हुआ तो लगा कि उनसे चूक हो गई, वह बैकुंठ पर आकर इस पर सफाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी बेटी और बीजेपी सांसद मौर्य ने कहा, मेरे पिता ने रामचरितमानस की महज एक चौपाई पर सवाल उठाया जो रामचरित से मेल नहीं खाती, इस पर बहस नहीं बल्कि विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने रुख में बदलाव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसे ब्राह्मणवाद का विरोध बता रहे हैं। मौर्य का ये अंदाज उनकी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ा चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे धर्म संकट में न तो खुलकर उनके पक्ष में बोल रहे हैं, न ही उनका प्रतिपक्ष विरोध ही कर पा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है।